स्टूडेंट्स, आवर टूडेज क्लास इज फ्रॉम यूनिट 4 सी सॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग ऑनलाइन एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज लाइंग इन द सैंड. सैंड में मतलब बालू में क्या सो रहे थे, शेल, ग्लास और नेकलेस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शेल. सो वी नीड टू टेक हियर. देन क्वेश्चन 2, व्हाट केम फ्रॉम द शेल. ए जोक, लाफिंग वॉयस और ऑप्शन सी, स्वीट सॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज स्वीट, ए स्वीट सॉन्ग कमिंग फ्रॉम द शेल. देन क्वेश्चन 3, हु मेक्स शेल. एंड इंसेक्ट्स, स्नेल, ह्यूमंस और सिल्कवर्म. तो यू नो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एन इंसेक्ट, स्नेल मेक शेल्स. तो यू नीड टू टेक ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 4, मैच द एनिमल विद देयर करेक्ट साउंड. वी नीड टू मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड. ऑप्शन ए काउस. वी नो दैट काउस साउंड इज मो. सो काउ विद एम. Then lions, lion sound is roar and dog sound is bark. So it is the correct answer. Okay, then question 5, which animal is known as seahorse? Hippopotamus, tiger or octopus? Kisko seahorse kehte hai? Kisko seahorse kehte hai? That is hippopotamus. So option B is correct answer. Okay, next question 6, identify the given musical instrument. So it is, I know that you know that it is guitar. So option A is correct answer. Then fill in the blanks. द पास्ट टेंस ऑफ होल्ड. होल्ड का पास्ट टेंस क्या है? होल्ड का पास्ट टेंस हेल्ड. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ओके, देन क्वेश्चन 8, राइट वन वर्ड फॉर ए हार्ड आउटर कवरिंग. जिसको बाहर हार्ड कवरिंग रहते वो किसका रहते, शेल, फोल्ड और ड्रॉप. वन वर्ड में आंसर देना है. तो इट इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज शेल. ओके, देन व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग वॉज हियर्ड बाय द बॉय. स्वीट एंड सॉफ्ट और क्लियर. देखो ये दोनों ही सुना था, स्वीट एंड सॉफ्ट भी और क्लियर भी. तो ऑप्शन सी बोथ एंड बी इज करेक्ट आंसर. देन फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एमेस्ट. एमेस्ट का सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है. एमेस्ट का सिनोनिम ढूंढना है. तो इट इज सिनोनिम इज ऑन्डर. ऑन्डर मीन्स सिमिलर वर्ड. ये दोनों का सिमिलर वर्ड है. एमेस्ट जो मीनिंग है, ऑन्डर भी वही मीनिंग है. देन चलो क्वेश्चन 11 से फाइंड ओड ऑन आउट. ओड मीन्स जो सबसे अलग है. तो देखो ईट मैंगो और ब्रेड. देखो मैंगो और ब्रेड ये दोनों खाना है, लेकिन ईट पहले तो ऑप्शन ए, खाने के बात कर रहे हो. तो सो इट इज डिफरेंस फ्रॉम अदर्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. देन टेक द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ स्ट्रांग. स्ट्रांग का ऑपोजिट वीक, ये सबको ही मालूम है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. देन कंप्लीट द गिवन स्पेलिंग. एस यू डैश पी डैश आई ए सी डी. एक्चुअली देखो बेटा ये सरप्राइज है, ठीक है. तो एस यू आर, तो देन पी आर आई ए सी डी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. देन चलो क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं. टिक द करेक्ट स्पेलिंग. लिसेंटेड, लिस्टेंट ना लिसेंटरिंग. तो देखो पहला जो ये ऑप्शन है, एल आई एस टी ई एन डी, ये है करेक्ट स्पेलिंग. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. देन द राइमिंग वर्ड फॉर क्लियर इज ईयर. ये क्या सही है और गलत है? ये सही है, क्योंकि क्लियर का राइमिंग वर्ड हम लोग ईयर लिख सकते हैं. तो इट इज
ट्रू. देन आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर इन राइट. राइट का साइलेंट लेटर जो उच्चारित नहीं होता है वो क्या है? डब्ल्यू. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. देन फाइंड आउट द प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, इट हैज ब्यूटिफुल फेदर्स. देखो बेटा प्रोनाउन क्या है जो नाउन के बदले में बैठते हैं. तो पहला सेंटेंस में देखो पीकॉक नाउन है तो उसके बदले में क्या बेटा? इट. तो इट इज प्रोनाउन हियर. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. देखो बेटा ये एकदम सही है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम. ठीक है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नेशनल सॉन्ग. अगर नेशनल एंथम के बारे में पता था तो गणगणमन होता था. व्हाट विल यू कैरी विथ यू ऑन ए बीच वैकेशन. अगर बीच में जाओगे तो तुम साथ में क्या लेके जाओगे? सनस्क्रीन, लोशन और बीच टॉवल. देखो दोनों ही जरूरत है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी. देन क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. देखो यहाँ पे उल्टा पलटा दिया है, उसमें एक सेंटेंस बनाना है. तो देखो ऑप्शन ए में क्या है? आई हैव ए ब्यूटिफुल शेल विथ मी. ठीक है उसके बाद विथ मी ए नहीं होगा तो ऑप्शन बी नहीं होगा. देन ये ब्यूटिफुल शेल आई हैव ए भी नहीं होगा तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. क्या होगा? आई हैव ए ब्यूटिफुल शेल विथ मी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर 20 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सी सॉन्ग. So if you like, you can like, share with your friends. And if you are new, of course, at first subscribe the channel. So you can got all the class up to date time. Thank you for today. We will meet our next class.